नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे IEX के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो इसमें जो एक निगेटिव न्यूज आया वो अभी तक देखा जाए तो मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब कितने पॉजिटिव न्यूज आ जाए दोस्तों, कुछ भी गुड न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ कुछ भी आ जाए दोस्तों, ये निगेटिव न्यूज अभी तक देखा है तो भारी ही पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों फ्यूचर में भी भारी पड़ेगा, लेकिन ऐसे में अगर हम ब्रोकर्स की बात करें तो उस समय उन्होंने लगभग 200 रुपये का टारगेट दिया है, तो बहुत सारे ट्रेडर हो सकता है कि करंट प्राइस की बात करें तो 126 रुपये 27 रुपये के आसपास चल रहा है। हालांकि स्टॉक में अपने को प्रेशर ही देखने को मिल रहा है, उसी रेंज में ये कंपनी चल रही है, तो बहुत सारे ट्रेडर हो सकता है कि अभी इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। वहीं पर अगर हम गुड न्यूज़ की बात करें तो कंपनी में देखा है तो जो वैल्यूम है अभी मतलब बहुत सारे मतलब वैल्यूम के अकॉर्डिंग देखा है तो इस समय जो प्रेजेंट डेटा आया दोस्तों उसमें 8% की जंप देखने को मिली है, तो ऐसे में इस कंपनी में बाइंग करना चाहिए। बहुत सारे जो फंसे उससे रिलेटेड भी हम बात करें। हम आ गए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो 125 रुपये 126 रुपये कंपनी चल रही है। हालांकि अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन स्टॉक में अपने को प्रेशर देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप ही ओपन होती है, उसके बाद डाउन, उसके बाद एक आप कह सकते हैं उसी में अप्स एंड डाउन्स किया। हालांकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट भी कह सकते हैं, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1% 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के अगर आप 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे ना तो 5 दिन का भी आपको इसी टाइप का चार्ट देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि इसी टाइप का आपको चार्ट देखने को मिलेगा। कंपनी की बात करें तो 1.5% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में 132% का रिटर्न बना के दिया है, मतलब जितना भी रिटर्न बना के दिया था दोस्तों, मतलब जिन्होंने भी अभी रिसेंट में मतलब इस कंपनी की बात करें तो 309-10 के आसपास, देखिए ये क्या है कि एडजस्टेड प्राइस है, 309-10 पे ये कंपनी गई थी, उसके बाद जो है कंपनी ने स्प्लिट कर दिया दोस्तों, और मतलब बोनस आप कर सकते हैं बोनस दे दिया, उसके बाद जो है कि स्टॉक में अभी तक गिरावट ही देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी की बात करें लगभग 60% के आसपास ये कंपनी डाउन हो गई है। एग्जैक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 60% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। उसी में देखा जाए तो ब्रोकर्स की तरफ से जो है कि एक नया टारगेट देखने को मिला, जो कि 200% का मतलब माफ करना 200 रुपये का टारगेट दे रहे थे, जिसमें कि देखा तो स्टॉक में गिरावट देखने को तो वो थोड़ा सा रुकते हुए दिख रहा है। अगर हम कंपनी के Q1 के अपडेट की बात करें तो वॉल्यूम अपने को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% का राइज देखने को मिला है, जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 5.17 यूनिट, जो कि मतलब देखिए अभी क्या है कि मार्केट में दोस्तों मतलब जब ये मार्केट कपलिंग की बात करें तो इस समय जो कि आप सभी लोगों को पता है कि मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कि इनका कंपटीटर अब इनके पास आ जाएगा दोस्तों, तो इनके वैल्यूम की बात करें तो थोड़ा सा अपने को कम होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 95% का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास था जो कि पूरी तरह से मोनोपोली थी, तो हालांकि मोनोपोली घटते हुए भी दिख सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं ये पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला, और 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब कुछ इतना खास जो है कि इफेक्ट पड़ते हुए नहीं दिखा है। वहीं पे जीरो ट्रेडर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। 6 महीने के चार्ट को देखें दोस्तों तो कंपनी में जो है कि 11-12% डाउन है। 1 साल की बात करें तो लगभग 23% कंपनी डाउन है। हाँ, जो बाइंग करना चाहते दोस्तों तो इन मतलब इसी चार्ट में देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी एक सडनली गिरावट और सडनली रिकवर, इस पॉइंट को नोट करना। उसके बाद गिरावट की बात करें तो कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि ट्रेडर्स की बात करें तो इस स्टॉक में जबरदस्त वैल्यूम क्रिएट होते हैं, और ट्रेडिंग की बात करें जबरदस्त ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। वहीं पर 116 रुपये पर ये कंपनी रिसेंट में आती है दोस्तों, और 175 रुपये जो कि बाउंड दिखाई है। एक्चुअल में कंपनी 310-309 रुपये के आसपास भी गई थी। हालांकि जीरो ट्रेडर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते दोस्तों, देखिए सबसे पहले बता देते हैं कई पॉजिटिव न्यूज इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जब पॉजिटिव न्यूज आते रहते हैं और निगेटिव न्यूज की बात करें तो अपने को ज़्यादा हावी होते हुए दिखता है किसी स्टॉक पर, तो पॉजिटिव न्यूज की बात करें तो कई पॉजिटिव न्यूज इकट्ठा होते हैं दोस्तों, और स्टॉक की बात करें तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, लेकिन एक सडनली तेजी देखने को मिल ही जाती है। मैं ऐसा क्यों बोलूं दोस्तों, अभी तक हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर लो की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 जून को जो है कंपनी ने 116 रुपये पर आई थी, हाई की बात करें तो कंपनी का 2022 देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो कंपनी में एक जबरदस्त वैल्यूम क्रिएट तो होता है दोस्तों, 7 मिलियन 8 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड होते हैं, 50% माल डिलीवरी में उठाया जाता है, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडर की बात करें तो यहाँ पे 10% या 5% आप कह सकते हैं कि इतने वैल्यूम में, ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग होती है नो डाउट दोस्तों, लेकिन हाँ यहाँ पे देखेंगे तो 50% माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है, ये भी एक में देखा जाए तो पॉजिटिव साइन आप कह सकते हैं। स्टॉक में अपने को करना क्या है, सब पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि हाँ इसमें हम बताना चाहते दोस्तों, ना ही आप ऑवरेजिंग करें मतलब पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों, तो क्योंकि दोस्तों बताते हैं कंपनी का, चलिए मान लीजिए आज
शायद मोनोपोली खत्म हो जाए। हालांकि ये इतना जल्दी मोनोपोली खत्म भी नहीं होने वाला, क्योंकि इनके मैनेजमेंट ने बताया दोस्तों कि इसमें कम से कम 2-3 सालों का टाइम लग सकता है। तो ऐसे में देखा है तो स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में चल सकता है, न कि आपको रिटर्न भी बना के दे सकता है। हालांकि उसमें अगर कुछ अपने को एक कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज आते हैं तो स्टॉक में एक जंप भी देखने को मिल सकती है। वैसे में देखा दोस्तों तो ई के आई एनर्जी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी क्या करती है, क्रेडिट कार्बन से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड काम करती है। तो ये भी कंपनी दोस्तों रिसेंट में यही बिजनेस शुरू किया है। तो हालांकि कंपनी का एक ही बिजनेस नहीं है, इस पॉइंट को भी नोट करना है। आने वाले समय में हो सकता है कि जो ई के आई एनर्जी दोस्तों उसके पास मार्केट शेयर कुछ ज़्यादा है क्रेडिट कार्बन का, तो इस कंपनी ने भी मतलब कुछ हो सकता है दोस्तों मार्केट शेयर जो है कैप्चर कर सकती है। आने वाले फ्यूचर की बात है तो इस पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। वही जीरो ट्रस्ट इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि 115-110 रुपये के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, वही पर अगर हम तेजी की बात करें तो अगर मान लीजिए कि इसमें जो पॉजिटिव न्यूज है तो अपने को हो सकता है कि ये स्टॉक 150 रुपये के आसपास जा सकता है, जो कि मेरा मानना है। इसमें भी हो सकता है कि अप्स एंड डाउन कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।